शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस के चलते शहर में मार्केट बंद थे, लेकिन राज्य सरकार के आदेश पर शहर के मार्केट शुरू हुए। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी शहर के बर्डी मार्केट से ये रिपोर्ट। दर्शकों, इनविजन की टीम इस समय में बर्डी के उस मार्केट में, जो बर्डी का मार्केट पिछले ढाई महीने से पूरी तरह से बंद था। ढाई महीने के बाद लॉकडाउन में जैसी शिथिलता मिली तो फिर से एक बार बर्डी का कारोबार शुरू हुआ, लेकिन अब की बार बर्डी का ये जो कारोबार है ये दो चरण में होगा। चरण का मतलब है कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इस समय में मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मेरी बाई हाथ, ये जो बाई और अगर आप थोड़ा कैमरा करते, ये तमाम दुकानें यहाँ पे बड़ी बड़ी खुल चुकी है। तो वही कुछ छोटा फुटपाथ का मार्केट भी लोगों ने अपने दुकानें सजाई हुई है, ठेले के ऊपर में बड़ी दुकानें भी यहाँ पे। अब थोड़ा इधर पैन करके बताइए वीरेन, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी दुकानें जो है मेरे राइट साइड की, वो भी पूरी तरह से बंद है। नागपुर के जो मनपा के जो आयुक्त है तुकाराम मुंडे, इन्होंने बताया है कि एक दिन एक साइड खुली रहेंगी और इवन के चलते एक साइड दूसरी दुकान शुरू रहेगी, जिसके चलते सप्ताह में तीन दिन ये दुकान और तीन दिन ये लाइन की दुकानें शुरू होगी। ऐसे में फुटपाथ वालों का भी वही हाल है। आप देख सकते हैं कि ये जो फुटपाथ अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए, वे लोग भी, उन्होंने भी दुकानें खोली है और रोज की तरह यहाँ पे बहुत ऐसी लोगों का आवागमन नहीं है, लेकिन जो आवाजाही है वो ठीक ठाक है। हाँ, ग्राहक है, बड़ी संख्या में अभी भी नहीं आए हुए, मगर कुछ ऐसे कम ग्राहक है जो आ रहे हैं, देख रहे हैं कि मार्केट खुला नहीं खुला। अब हम आइए ना सीधा एक दुकानदार से बात करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनका कैसे क्या बिजनेस है, कर रहे हैं, और ढाई महीने के बाद में जिस तरह से ये मार्केट जो खुला है उसको लेके उनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया। एक दुकान मालिक से हम मिलना चाहेंगे। सर नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते सर। सर, ढाई महीने के बाद आज आपका ये मार्केट जो खुला है, पहले सैनिटाइज। अच्छा, दुकान में आते ही यदि वे मीडिया को सैनिटाइज करवाने के लिए बता रहे, तो ये स्वाभाविक बात है कि हो ना हो ये अपने ग्राहकों को भी सैनिटाइज करवाते हैं, क्या बराबर है? बराबर है सर। क्या नाम है आपका? दीपक जैन। दीपक जी, ये बताइए कि आपके नाम में तो उजाला है, मगर ढाई महीनों से जो अंधेरा सा जो छा गया था कोरोना वायरस के लॉकडाउन को लेके, कैसा लग रहा है आज? आज मार्केट खुलने का बहुत खुशी है इस चीज़ की हम लोगों को। 77 दिन के बाद में हमारा मार्केट खुला है और हमको एक उत्साह है इस चीज़ को लेके। तो अब हम लोग स्टार्टिंग में तो मंदी रहेंगी, लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि व्यापार फिर से उठेगा, फिर से हम दौड़ेंगे, फिर से हम भागेंगे। लेकिन सर, जिसके चलते ऑड इवन के चलते जो आपको दिशा निर्देश दिए गए, एक दिन आप एक दिन वो लाइन, तो इसको लेके क्या कहना चाहोगे? सर, इसके लिए मेरे को एक ही है बस मेरे मन में प्रश्न कि जैसे सर तीन दिन हमारा लाइन खुलता है, तीन दिन सामने वाले का लाइन खुलेगा, लेकिन जो सातवां दिन आएगा संडे का, उस दिन क्या होना है ये हम लोगों को अभी निर्धारित नहीं किया गया। अगर सातवें दिन अगर संडे पड़ता है तो संडे बाज़ार बंद रहेगा या चालू रहेगा, वो हमको उस बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली। कितने इससे ढाई महीने में कितना नुकसान हुआ है? सर, आंकड़ा तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप ये समझिए काफ़ी नुकसान हो गया। और अब तक के कितनी ग्राहकी आई है? सर, अभी तो बस वो स्टार्ट किया है, अब धीरे धीरे व्यापार अब जैसा चलेगा। अच्छा, तो आप थे दीपक जैन, एक यहाँ के दुकानदार है बर्डी के मेन मार्केट के, उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से ग्राहकों को लेके अभी उनका इंतज़ार है, और ग्राहक जैसे जैसे आएंगे, उन्होंने ये बताया कि अपनी दुकानों में फिर वो ग्राहकी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा रोड पे बताएं कि किस तरह से यातायात है वीरेन। आप देख सकते कि ये जो वाहन है छोटे बड़े, ये यहाँ से आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट पूरी तरह से भला ही ना खुला हो, मगर जिस प्रतिशत पे खुला है, मानो ऐसा लग रहा है कि लोगों में एक उत्साह सा है। लोग खरीदारी करने के लिए बड़े संख्या में यहाँ पे आए हुए, कुछ लोग घरों में हैं। एक समय ऐसा था कि जब हमने शुरू के दौर में यहाँ पे जो हमने न्यूज़ बताई थी आपको कि ये जो पूरी सड़कें थी ये पूरी वीरान सी थी, कोई दुकानें नहीं, पूरी दुकानें बंद थी, कोई नहीं था सिवाय हमारे, और हमारे न्यूज़ के अलावा कोई नहीं था, ऐसा भी एक वो मंजर था। और आज हम आपको बता रहे कि किस तरह से यहाँ पे शिथिलता मिलने के बाद लॉकडाउन
थोड़ी शिथिलता मिलने के बाद में, और जैसे दुकानें जो शुरू करने के उन्हें जो गाइडलाइन दिए गए जिसके चलते रौनक सी लगाई दे रही है, ढाई महीने के बाद में ये बल्डी का मार्केट खुलने से लोगों में, दर्शकों में, ग्राहकों में और खासतौर पर दुकानदारों में और फुटपाथ वाले दुकानदारों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है, और बहुत जल्दी तेजी से ये यहाँ बड़ा व्यापार होगा। और ये जो सुनी सड़कें आप जो दिखाई दे रही है ये बहुत जल्द पाव रखने के लिए जगह भी नहीं होगी, यही खासियत इस मार्केट की है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस ढाई महीने में ये तमाम व्यापारियों का, खासतौर पर बल्डी मार्केट का, 5000 से 6000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान किस तरह से वो पूरा करते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि जिसने चोच दिया दाना भी वही देगा। ऊपर वाले के ऊपर में इन लोगों को भरोसा है, ऊपर वाला और नीचे वाले इन सभी के सहयोग से कामकाज चल रहा है, और कुछ थोड़ी देर में ये जो बल्डी का मार्केट है ऑड इवन के चलते लोगों में एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। मनपा प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन को सहयोग देते हुए भी ये दुकानदार दिखाई दे रहे हैं। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जिस प्रकार से इन्हें ये जो हिदायत दी थी उसका पालन करते हुए व्यापारी दिखाई देते हैं। छोटे हो या बड़े व्यापारी हो, ये अपने देश की आन बान शान है, और इनका ये परचम ऐसा ही लहराता रहे, ग्राहक आती रहे, उनके कामकाज होते रहे। और जिस प्रकार से इन्होंने जो कारोबार में जो एक नुकसान हुआ था वो कहीं ना कहीं दूर हुए, यही ग्राहक और सभी लोग चाहते हैं। नागपुर के इस बल्डी मार्केट से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।